5 वीक्स पहले मैंने यूट्यूब पर एक पोल डाला था और आप लोग से पूछा था कि कौन से ओएसटी पर मुझे रिएक्ट करना चाहिए, और राज़े उल्फत बहुत इजीली जीत गया था। लेकिन तब रमजान का महीना चल रहा था तो मैंने डिसाइड किया था कि कोई भी कमर्शियल सॉन्ग्स पर मैं रिएक्शन अपलोड नहीं करूंगा। तो ये वाला जो ओएसटी पर रिएक्शन है बहुत डिले हो चुका है, तो फाइनली लेट्स चेक इट आउट। सेवन स्काई एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स। वैसे इस ओएसटी के अराउंड काफी हाइप है, लोग बोल रहे हैं लव स्टोरी लग रहा है। इसमें लड़का लड़की मिलते हैं, प्यार हो जाता है, लेकिन फिर लड़का कुछ करता है या फिर लड़की कुछ तो रीजन से नाराज हो जाती है लड़के से, दोनों बिछड़ जाते हैं। तो वैसा टाइप का स्टोरी लग रहा है। तो ऑब्वियसली ओएसटी से पूरा स्टोरी तो पता नहीं चलता कभी भी, क्योंकि ओएसटी इस ड्रामा रिलीज होने से पहले ही आ जाता है, तो इट्स लाइक अ ट्रेलर। तो कोई भी अच्छा ट्रेलर पूरा स्टोरी कभी गिव अवे नहीं करता, सस्पेंस तो रखना पड़ता है। तो मुझे पूरा स्टोरी नहीं समझ रहा, लेकिन दिस सीम्स लाइक अ हार्ट ब्रेकिंग लव स्टोरी, एंड मुझे लगता नहीं है इसका ओएसटी देख के कि कोई पॉजिटिव एंडिंग होने वाला है या हैप्पी एंडिंग होने वाला है, ऐसा नहीं लग रहा। बट या दिस ओएसटी हैज सम ग्रेट लाइंस, जैसे मैंने ओएसटी के टाइम भी बोला कि बहुत कुछ मीनिंगफुल लाइंस है इसमें, और ध्यान देना पड़ता है आपको लिरिक्स पे, अगर ध्यान नहीं दिया तो यू कैन नॉट एंजॉय द सॉन्ग फुल्ली। मुझे तो पसंद आया, अभी सुनता है कि आकाश को ये वीडियो कैसा लगा। हे गाइस, मेरा नाम है आकाश। तो आज मैं बात करने वाला हूँ राज़े उल्फत की। काफी अच्छा साउंड है यार, सच में यार, एक्टर एक्ट्रेस काफी अच्छे लिए हैं उसमें, और वीडियो यार, आवाज सॉन्ग की मतलब बहुत अच्छा लगा। मतलब यार कहूँ तो मैंने आज तक ओएसटीज पे किए हैं, बट मुझे ये ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि इसमें सॉन्ग भी काफी मतलब अच्छा है और आवाज भी काफी अच्छी लगी मुझे इनकी। और उमना जैद यार काफी क्यूट और काफी गॉर्जियस और काफी ब्यूटीफुल है उमना जैदी, बहुत अच्छा लगा उनको देख के। और मैं भी इनको पहली बार देख रहा हूँ, मतलब पहले कभी देखा नहीं है, और राज ने भी पहली बार देखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय, स्टे सेफ, स्टे होम। ओएसटी मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने एक और बार सुना, एंड फर्स्ट टाइम से ज्यादा मुझे मजा सेकेंड टाइम में आया, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने कुछ लिरिक्स का मीनिंग मुझे समझ में नहीं आया था, बहुत सारे समझ में आए थे लेकिन कुछ कुछ मैंने मिस आउट कर दिया था जो मुझे फाइनली समझ में आया सेकंड टाइम देख के। एंड आयमा का सिंगिंग मेरे को बहुत दिन के बाद सुनने मिला, तो दैट ऑल्सो मेड मी वेरी हैप्पी, दैट्स इट। और क्रेडिट गोज टू जियो टीवी, हरपल जियो, उनके बिना ये पॉसिबल नहीं होता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। Hey guys, welcome back to our Facebook page. Guys, आज का रिएक्शन होने वाला है राज़े उल्फत ओएसटी पर। सो गाइज, फेसबुक पेज पर आप पहली बार आए तो फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो जरूर कर लेना। अगर आप यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो स्टार्ट करते हैं, पहले आगे करेंगे।
कल की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। गाइज ओएसटी तो बहुत ज्यादा इमोशनल था, अगर आपको इसका डिटेल रिव्यू देखना है तो आपको जाना पड़ेगा हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, या फिर सर्च कर सकते हैं एम्ब्रोज रिएक्शंस यूट्यूब पे, तो आपको मिल ही जाएगा। तो वहाँ जाके आप इसका डिटेल रिव्यू देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से रिव्यू किया है मैंने, जाके ज़रूर देखना गाइज़।